नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ, मैं दीपेश बरगले। आज बात करेंगे बढ़ रही लापरवाही, कोरोना पड़ रहा भारी की। देश में बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सरकार और प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। देश में अब तक 21 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिसंबर के शुरुआती 6 दिनों में ही एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 244 तक पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या टेस्टिंग और ट्रेसिंग में हो रही लापरवाही, कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, नए वेरिएंट के लिए छत्तीसगढ़ आखिर तैयार कितना है, लापरवाही से क्या लॉकडाउन या फिर सख्ती का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है, लॉकडाउन का पालन या फिर गाइडलाइन का पालन नहीं करने की वजह से भी क्या इस तरह की सख्ती बढ़ सकती है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। हालात 3 महीने पहले जैसी हो गई है। दिसंबर के शुरुआती 6 दिनों में ही एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 244 तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में सितंबर 2021 के पहले सप्ताह के बाद की ये सबसे खराब स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को प्रदेश में 22,988 लोगों की जांच हुई, जिसमें 44 लोग संक्रमित पाए गए। प्रदेश में अब पॉजिटिविटी दर बढ़कर 0.19% हो गई है। सबसे अधिक 10 मरीज अकेले कोरबा में पाए गए। बलरामपुर में 6 और दुर्ग जशपुर में 5-5 मरीज मिले हैं। इससे पहले दिसंबर को भी प्रदेश में 44 कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अब हालात बिगड़ रहे हों तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ कितना तैयार है, या फिर यूं कहें कि सरकार ने कितनी तैयारी की है। जहाँ तक तीसरी लहर का सवाल है, तो जैसे ही दूसरी लहर ढलान पे थी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने तीसरी लहर की तैयारियां शुरू कर दिया था। छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से सबसे पहले तो वैक्सीनेशन पे जोर दिया गया, उसके बाद दवाइयों की उपलब्धता, बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, इन सबको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया गया है। और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, गैदरिंग कम से कम हो। जहाँ तक जीनोम सिक्वेंसिंग का सवाल है, बिल्कुल हमारे पास में अभी जीनोम सिक्वेंसिंग की जाँच की सुविधा नहीं है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स के माध्यम से यहाँ पे पहल करे। इस संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से मांग किया है। तीसरी लहर की संभावना को रोकने के लिए सरकार के तैयारियों के दावे पर बीजेपी क्या कह रही है, वो भी सुन लीजिए। कोरोना के दो दौर में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और तीसरे दौर का भी दस्तक यहाँ पर हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार अभी भी कोरोना की लड़ाई में गंभीर है। लेकिन सरकार से ये कहना है कि ये गंभीर हो और तीसरे दौर का जो है उसमें ठीक से उपाय करे। सरकार और प्रशासन तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए तैयारी कर रही है और साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है। वो इसलिए क्योंकि बिना लोगों के सहयोग के कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग को जीतना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर विचार करते हैं। डॉक्टर अभिजीत विश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिजीत जी, शुरुआत आपसे करते हैं, नया वेरिएंट क्या है, तीसरी लहर संभावित है, अब कितना ये खतरनाक हो सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इन तमाम मसलों पर हम बहुत लंबे दिनों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इससे इतर आज चर्चा हम कोशिश करें कि इस पर करें कि जो लापरवाहियां हो रही हैं क्या वो इसे और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, या फिर ये समझें कि इन लापरवाहियों की वजह से इस पर लगाम लगाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। डॉक्टर अभिजीत, जी
जी सवाल तो अच्छा है, एक कदम आगे बढ़ के आपने पूछा है। आज के तारीख में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बारे में सबके पास जानकारी तो है, लोगों के पास ये भी जानकारी आ रही है कि यदि हम संपर्क में नहीं आए हैं, एक से दूसरे रूम में हैं, जैसे हांगकांग में केस में देखने मिला है कि होटल के दो गलियारे में दो अलग अलग कमरों में भी बैठे लोग अपने आप संक्रमित हो गए बिना कांटेक्ट में भी आए, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हम प्रिकॉशन लेंगे तो भी शायद इन्वॉल्व ना हो जाए इस केस में। पर मुझे लगता है कि फिर भी एक नैतिक जवाबदारी हमारी ये बनती है कि कहीं ना कहीं जितना कम से कम इसका संक्रमण फैल पाए, इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली ट्रेवल करके आ रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि इन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं वो खुल के सामने आए, अपने बारे में जानकारी दें। हमें पता है कि ये सभी लोग एयरपोर्ट पे कहीं ना कहीं किसी तरह से स्क्रीन तो हो जाते हैं, पर फिर भी सरकार और जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को मुझे लगता है इनको आगे बढ़ के आके जानकारी देनी चाहिए कि हम ट्रैवल करके आए हैं, आप चाहे तो हमें टेस्ट कर लीजिए, आरटीपीसीआर की टेस्ट की रिपोर्ट आजकल 6-8 घंटे में ही आ जाती है, तो उसके आपकी जिम्मेदारी निभाने से ये हो जाएगा कि कम से कम लोगों में धीरे धीरे विश्वास बढ़ता जाएगा कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल अभी उतनी खराब है कि नहीं है। दूसरा, सरकार के पास डाटा आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि केसेस लगातार बढ़ते चले गए और कहीं ना कहीं किसी केसेस में सीवियरिटी भी बढ़ती चली गई, तो ऐसे केसेस के लिए हमें बेड्स की अवेलेबिलिटी करना, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी करना, डॉक्टर से लेकर के सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करना, इन सब में टाइम लगता है। तो सरकार के पास भी ये अवेलेबिलिटी अगर डाटा की होगी तो उनका एक्शन भी अप्रोप्रिएट हो पाएगा। तो आपके चैनल से मेरे तरफ से तो यही अपील होगी कि अपनी तरफ से खुल के अपने बारे में जानकारी दे। ये वेरिएंट ईश्वर की कृपा से अभी तक उतना खतरनाक साबित नहीं हुआ है अर्ली स्टेजेस में, तो बट लेट स्टेज का भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपनी जानकारी साझा करते रहे और सतर्क आप भी रहे और दूसरों को भी रहने। बिल्कुल, वेरिएंट खतरनाक हो न हो लेकिन आप अगर उससे संक्रमित को रखे गए तो मेंटल प्रेशर आप पर होता है, दूसरा आपको हॉस्पिटलाइज अगर होने की नौबत आ जाती है तो व्यवस्थाओं पर फिर कहीं ना कहीं असर पड़ता है, और इससे हर स्तर पर पारिवारिक व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाती हैं, प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्थाएं अस्पतालों में की गई है उन पर भी असर होता दिखाई देता है। तो फिर क्यों इस तरह की चीजों पर आगे बढ़ा जाए, कोशिश की जाए कि हम अपने आप को सेव करके रखें, सुरक्षित करके रखें। धनंजय जी हमारे साथ मौजूद है। धनंजय जी, सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है कि इस नए वेरिएंट को प्रदेश में आने न दिया जाए, इसे रोका जाए, अगर तीसरी लहर संभावित है तो उससे बचने के लिए स्वास्थ्यगत व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, हर प्रयास छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी सरकार की चुनौतियों को और बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी के आयोजन या फिर कार्यक्रम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि अगर कोरोना बढ़ता है तो चुनौती फिर बढ़ती नजर आएगी? पहली बात तो मुझे बात बताइए, आपको कांग्रेस पार्टी के किस आयोजन से आपत्ति है या किस आयोजन में आपको ऐसा लगता है कि कोरोना बढ़ेगा, ये जरा मुझे स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे? जन जागरण यात्राएं क्या कांग्रेस की नहीं निकल रही है? क्या नगरीय निकाय चुनाव के लिहाज से कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? क्या सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है सर, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ती? आप कहेंगे कि बीजेपी पर भी सवाल होने चाहिए, मैं नरेश जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले प्राथमिकता आपकी। देखिए, पहले तो आपका सवाल ही गलत है जी, पता नहीं किस मन से आप इस प्रकार के सवाल उठाते, क्या बताना चाहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि जिस प्रकार से पहली कोरोना की जो बीमारी देश में आई उस दौरान भी आप देखेंगे कि माननीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सरकार को आगाह किया कि देश के बाहर एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी महामारी की खबर आ रही है जो भारत देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है, उसकी हमको तैयारी करनी चाहिए। और उस दौरान अगर मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बंद कर दिया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से आने लोगों को रोक के होम क्वारंटाइन किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, तो इस प्रकार से देश के हालात नहीं होते। और आज फिर एक बार ओमिक्रोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, ओमिक्रोन से तो देश के बाहर 14 देश पीड़ित है, जहां से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को बंद करने की आवश्यकता है या अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से आने वाले लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा ट्रेस करके उनको होम आइसोलेट करना चाहिए, आपके आइसोलेशन में रखना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। सर, छत्तीसगढ़ में जो सूची मिली थी क्या उन लोगों को ढूंढ लिया कि कहां गए वो लोग? मैंने तो आपसे छत्तीसगढ़ की बात नहीं कहा ना, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आ रहा है
और होमिक्रोन बीमारी अगर विदेशों से आ रहे हैं तो इसको रोकने की आवश्यकता है। सर आपका या मेरा कोई परिजन है उत्तर प्रदेश वो विदेश में है, सुन लीजिए सर, आपका या मेरा कोई परिजन है वो विदेश में है और उस देश में अगर कोई संकट है तो क्या आप और मैं नहीं चाहेंगे कि हमारा रिश्तेदार हमारे घर वापस आ जाए, भले वो हमसे एक महीना ना मिले लेकिन अपने वतन तो लौट आए, उस धुंध में तो ना पड़ा रहे जहां पता भी ना चले वो जीवित रहेगा ना रहेगा, रोक दे उनको, बंदिश लगा दे सर। हमने तो हम तो उस देश के नागरिक है सर जिन्होंने विदेश में फंसे हुए लोगों के लिए अलग से स्पेशल फ्लाइट भेजी थी कि हमारे नागरिकों को हम कम से कम वापस ले आए और आप कह रहे हैं कि रोक लगा दीजिए। मुझे लगता है आप मुझे सवाल का अपने जो सवाल के उसका जवाब पूरी तरह से आप सुनना नहीं चाहे उसको व्याख्यान करना नहीं चाहते। मैंने कहा कि अगर विदेश में इस प्रकार की बीमारी आ रही थी या तो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को रोका जाए या तो अंतर्राष्ट्रीय विमानों से आने वाले को केंद्र सरकार ट्रेस करे, उनको होम आइसोलेट करे, उनको आइसोलेशन करे। मैंने ये कहा शायद आप तो सुनना नहीं चाह रहे थे, ये मुझे ऐसा लगता है। नहीं बिल्कुल जी, मैंने इसीलिए आपसे सवाल किया था कि अगर ट्रेसिंग करने का काम किया जा रहा है तो फिर हर राज्य के लिए ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं, हर स्टेट के लिए ये कहा गया है कि राज्य अपने प्रदेश में आने वाले नागरिकों की जानकारी ले, उनकी टेस्टिंग करें, उनकी ट्रेसिंग करें और उनके जो ट्रेवल हिस्ट्री है उसको खंगाले और उसके बाद उनको क्वारंटीन करें, यह आप लोगों का काम। लेकिन फिर मैं वापस उसी विषय पर आऊँगा सर, मैं आज बिल्कुल भटकना नहीं चाह रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि राजनीतिक लापरवाहियाँ, क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर को जल्दी लाने की तैयारी है? कहीं भी किसी प्रकार की राजनीतिक लापरवाही है ही नहीं, इसलिए कहना चाहूंगा मैं कि बीते दो साल से देश कोरोना जैसे महामारी संकट से लड़ रहा है और देश का प्रत्येक नागरिक अपने जिम्मेदारियों को समझ रहा है कि उसको किस प्रकार से भीड़ से दूर रहना है, किस प्रकार से उसको मास्क लगाना है, किस प्रकार से उनको हाथ धोना है और अगर कोई भी सिम्टम्स उसके भीतर पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, आप देखेंगे छोटा से छोटा लेकिन उसके बाद भी धनंजय जी कहां ये प्रोटोकॉल लागू हो रहा है आप बताइए ना। क्या जन जागरण यात्रा में मास्क आपके नेताओं में नजर आता है? क्या जन जागरण यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपके कार्यकर्ता करते हैं? क्या जन जागरण यात्रा निकाल कर हम पब्लिक की गैदरिंग नहीं कर रखे हैं? क्या जन जागरण यात्रा के समापन में बड़ा पंडाल लगाकर पब्लिक को संबोधित नहीं करते हैं? क्या ये तमाम चीजें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सही ठहराई जा सकती हैं? वो भी तब जब प्रदेश में लगातार सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि उस संभावित लहर से बचने के प्रयास किए जाएं, टेस्टिंग बढ़ाई जाए, ट्रेसिंग बढ़ाई जाए, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, ऑक्सीजन प्लांट को वापस से चेक किया जाए कि हमारे पास व्यवस्थाएं हैं नहीं है, अब वैक्सीनेशन के मसले को और बढ़ाया जाए। जब इस स्तर पर सरकार काम कर रही है, संभावित लहर की दिशा में अगर काम हो रहा है, तब राजनीतिक आयोजन कितने जायज? आपने बढ़िया सवाल पूछा है। आप देखेंगे बीते डेढ़ साल से देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, लोगों के काम धाम बंद है, लोगों के पास रोजी रोजगार के संकट है, ऊपर से देश की सरकार के द्वारा जो लोगों पर महंगाई थोपा गया है, क्या रसोई गैस की कीमत जो 410 रुपए से 1000 रुपए किया गया है, पेट्रोल डीजल पे जो अथाह वसूली किया जा रहा है, लोगों के हाथ से कामकाज नहीं है, ये भी एक बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ रही है। उसमें कोरोना से जो रोकने के तमाम जो मापदंड है, जो फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना है, मास्क लगाना, उसको पूरा करते हुए लड़ाई लड़ा जा रहा है। सर मैं अभी तस्वीरें दिखा नहीं पा रहा हूं, नहीं तो मैं आपके इन तमाम दावों की हकीकत को दिखाता और दिखाई भी है, कई बार दिखाई है, अभी भी कोशिश करूंगा, अगर वो तस्वीरें मुहैया हो पाई तो आपको दिखाऊंगा। मेरा वो मतलब है ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सर कितने जायज हैं, आप जिम्मेदार नागरिक हैं सर। मैंने इसलिए शुरुआत आपसे की क्योंकि आप अगर चैनल के जो जिम्मेदारी है उसका आप निर्वहन नहीं करना, आज बात तो समझने की कोशिश नहीं। बिल्कुल सर, मैं उसी का निर्वहन कर रहा हूँ सर। आप लोग कब तक हम पर आरोप लगाते रहेंगे? कब तक आप लोग आम लोगों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझे? सर सिर्फ लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती है, जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस को या देश का कोई राजनीतिक दल हो, तमाम नेता सर यही लापरवाही कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कोरोना बढ़ता चला रहा है। सर नरेश जी सवाल आपसे भी है, क्या बीजेपी भी अब पूरी तरह से हाथ जोड़कर कोरोना के नए लहर के स्वागत में तैयार है? एक छोटा सा, मुझे हाथ जोड़कर तैयार है मतलब आप
मुझसे सवाल क्या है ये पूछे कि मैं तुरंत जवाब दूंगा, थोड़ा सा इसको नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा हूं सर कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक आयोजन करके, राजनीतिक धार्मिक सामाजिक आयोजनों में शिरकत करके कोरोना के स्वागत की तैयारी कर रही है? देखिए बड़ा स्पष्ट है, सरकार गाइडलाइन तय करते, हम उसका शब्दशः पालन करते, हम कोई भी कार्यक्रम कोई भी आयोजन सरकार के और स्थानीय प्रशासन के अनुमति के बगैर नहीं कर रहे हैं। सरकार हमको दिशा निर्देश देते, हम उसका शब्दशः पालन करते। मतलब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सर? नहीं, हम आरोप जरूर लगा सकते हैं कि सरकार गंभीरता से अपने काम को नहीं कर रही है, लेकिन हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर हम देश के उस राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि हैं जिसने सबसे लंबे समय तक विपक्ष की जिम्मेदारी निभाई, वो राजनीतिक दल अगर छत्तीसगढ़ में विपक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि जनता के प्रति हमारा कोई दायित्व बने कि हम लोगों को संक्रमित होने से रोक सके, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सर। सर हम पूरी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं, हम तो सरकार से रोज अनुरोध कर रहे हैं, हम सरकार को कह रहे हैं आप लेट डाउन कर दीजिए, हम और हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता पूरी पार्टी सरकार जो आप पिछले 15 दिनों 20 दिनों से देखिएगा लगातार हम बोल रहे हैं कि आप हमें आदेशित करिए साहब, सरकार बोलेगी हम उसका सदस्य पालन करेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, सरकार बोलेगी ये सरकार ये तय भी कर दे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस ऐसे आयोजन की अनुमति नहीं है तो हम उसका भी पालन करेंगे। कांग्रेस के लोग नहीं तो सर फिर आप लोग तानाशाही का आरोप लगाने लगेंगे ना कि ये तो तानाशाही सरकार है, इनने हमारे आयोजनों पर रोक लगा दी है, उनके आयोजन तो हो रहे हैं। हम देखिए दो चीजें नहीं होगी साहब, आप हमें आयोजन का रोक लगा दीजिए, शब्द का पालन नहीं करेंगे तो आप बोलिएगा हम तो शासन के आदेशों का सो फार एज कोरोना इज कंसर्न, इस महामारी इज कंसर्न हम शब्द से पालन करेंगे और सरकार को हम उस पर सर विपक्षी होने के नाते क्या आम जनता के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सरकार तो फिर निभाइए ना सर, कर रहा है नहीं फिर निभाइए ना सर, फिर सरकार कहे तभी क्यों जरूरी है? सर सर हम सरकार को रोज आगाह कर रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, इस पर कार्यवाही करे और इसको सख्त करे। तो सर देश की सरकार तो आपके राजनीतिक दल की है, वो तो कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क अभी भी लगाते रहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता सर। सर देखिएगा आप सरकार के सारे मॉडल्स ऑपरेंडी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सारी मॉडल्स ऑपरेंडी को देखिएगा, क्या काम कर रही है सरकार, किस रूप में काम कर रही है, सरकारी आयोजन कैसे हो रहे हैं, अब वो अब दूर तक जाएगी बहुत सारी चीजें, व्यक्तिगत चीजें आ जाएंगी, तो सरकार को अपने आप की मॉडल्स ऑपरेंडी डेवलप करनी पड़ेगी, उसके बाद सारी चीजों को फॉलो अप होगा। सरकार तय करते हम 100% करेंगे और सरकार के साथ खड़े हैं सो फार एज दिस महामारी इज कंसर्न। मतलब हम स्वविवेक से तो कुछ नहीं करेंगे, जनता भले हमारे कहने पर आ जाए, वो बीमार हो, वो परेशान हो, वो संक्रमित हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें अपनी राजनीति चमकाना है, हम अपने आयोजन करते रहेंगे, जिस दिन आदेश आ जाएगा कि गाइडलाइन जारी हो जाएगी उस दिन से हम अपने घर बैठ जाएंगे। नहीं नहीं हम तो सरकार से बोल रहे हैं आप गाइडलाइंस जारी करो, हम सरकार को रोज बोल रहे हैं कि आप गाइडलाइंस जारी करिए, हम काम तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर करवा दीजिए ना सर, आपके तो सांसद हैं प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में, राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइन जारी करवा दीजिए कि संभावित लहर है पूरे देश में गाइडलाइन जारी करवा दीजिए ताकि हम आयोजनों में ना जाएं। सरकार ने गाइडलाइन, केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइन दे दिया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना तो राज्य सरकार का काम है ना। आपको याद होगा फर्स्ट फेज के बाद सेकेंड फेज में चीजें कैसे परिवर्तित हुई थी और किन कारणों से परिवर्तित हुई थी, प्रधानमंत्री से लेकर पटवारी तक को सारा अधिकार दे दिया गया, प्रधानमंत्री से वापस मांगकर उस राष्ट्रीय आपदा में सारा नियंत्रण किसका होता है लेकिन उसको किस रूप में लेकर बाद में उसको कैसा अपने कंट्रोल में लिया गया पूरा हिंदुस्तान। ठीक है सर वो राजनीतिक मसले हैं, मुझे कोई इत्तेफाक नहीं है सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझ जैसा अगर आम नागरिक किसी धार्मिक सामाजिक या राजनीतिक आयोजन में आप लोगों के बुलावे पर आ रहा है और अगर वो संक्रमित होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग लेते हैं, राजनीतिक दल लेते हैं? देखिए ये आपको बड़ा स्पष्ट, मैंने पहले लाइन कहा सरकार ने आज सारी चीजें तय करी हैं, सरकार बोल देगी, हम तो बोल रहे हैं ना प्रतिबंध लगा दो साहब, हम भी बंद कर देंगे, हम तो चल के बोल रहे हैं ना आप प्रतिबंध लगाइए,
आप प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो संभव कैसे होगा। हम तो रोज बोल रहे हैं सरकार के साथ हम तो हर लेवल पे कॉपरेट करने को तैयार हैं। नहीं, जब तक प्रतिबंध, मैं यही तो कह रहा हूँ ना सर, नरेश जी आप खुद समझिए कि आप क्या कह रहे हैं कि जब तक प्रतिबंध, मतलब फिर मैं तो फिर उस शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा, नहीं तो फिर मैं यही कहूं कि हम तो लकीर के हैं कि हमको अगर लिख करके दे देंगे कि हमको नहीं आना है तो हम लोग नहीं आएंगे, हमको लिख करके बता देंगे कि गाइडलाइन जारी हो गई है हम नहीं जाएंगे, यही अब स्थिति हो गई। फिर तो फिर जिम्मेदार विपक्ष का, फिर जिम्मेदार विपक्ष का दायित्व क्या हुआ सर? जिम्मेदारी के साथ सर, हम जिम्मेदारी के साथ सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप साहब इसमें, आप इसमें नियंत्रण के लिए प्रयास कर लीजिए, हम आपके साथ खड़े और क्या कर लेंगे। हम तो रोज बोल रहे हैं साहब, हम तो रोज बोल रहे हैं, हमारे नेता है रोज बोल रहे हैं, प्रदेश सरकार, यही तो यही वजह है ना सर, बाध्य करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर आम इंसान जागरूक हो जाए, राजनीतिक दल जागरूक हो जाए, जनप्रतिनिधि जागरूक हो जाए तो फिर इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब ये समझ लिया जाए कि भारत की टेंडेंसी ये हो गई है, मानसिकता आपकी और हमारी ये हो गई है कि जब तक हमें कोई हाथ पकड़कर कमरे में बंद नहीं कर देता है तब तक हमें पता है कि हमें तो घूमना है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए ये राजनीतिक प्रक्रिया अलग होती है, राजनीतिक दल हम मांग रहे हैं भाई, हम अपने आप को, आप, हम तो बोल रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी को बोल दो कि आप विपक्ष में हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं सरकार। लेकिन सर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का क्या कोई दायित्व नहीं होता है? कल इतना बड़ा कार्यक्रम कवर्धा में हो गया, वहां लाखों की हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई, एक ने भी मास्क नहीं लगाया, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का बात कर रहा हूं, उसके बाद भी आप लोग अगर ये कहेंगे कि हमको लिख करके दे दीजिए साहब गाइडलाइन जारी है हम नहीं जाएंगे, ये क्या बात होती है? सरकार से सारी चीजों की अनुमति थी, सरकार ने कभी कोई रोका नहीं है। सरकार यदि विश्व हिंदू परिषद के आयोजनों पर ये चिन्हित है उस पर रोक ले सल्तान सुल्तनत पे, तो यही तो मैंने कहा था सर, अगर सरकार रोक देगी तो आप लोग तानाशाही का आरोप लगाने लगेंगे। मैं तो राजनीतिक दलों का जिक्र कर रहा हूं सर, राजनीतिक दलों की कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर। छत्तीसगढ़ में अगर केस बढ़ते हैं तो ये तय माना जाए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों की मिलीभगत से ये केस बढ़ रखेंगे, और यही मेरा सवाल था सर, यही मेरा सवाल था जिसे आपने समझने से इनकार कर दिया। नरेश जी यही सवाल था जिसे आपने कहा कि उसे थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए सर, आप दोनों राजनीतिक दल ना चाहते हुए भी इस एकमात्र मसले में एक हो गए हैं कि हम दोनों मिलकर इस तीसरी लहर का स्वागत करेंगे। धनंजय जी बोलिए कुछ कहना चाह रहे हैं आप। आपको मैं एक लाइन बड़ा स्पष्ट कर देता हूं सर, मैंने आपने ये था कि आप उसका स्वागत करना चाहते हैं क्या, व्हाट इट मींस, कोई हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कोई भी मानव, यदि वो मानव है तो इस महामारी का स्वागत नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात करी है नरेश जी आपने, अगर है तो फिर हमें अपने अंदर के मानव को जगाना होगा, हमें अपने अंदर के मानव को जगाना होगा कि जाग मानव, जाग राजनीतिक दल के मानव कि ये कोरोना की तीसरी संभावित लहर हमारे दरवाजे पर खड़ी है और हम जलसे कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, हमें अपने अंदर के मानव को जगाना होगा सर, समय का अभाव है सर। बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं। धनंजय जी कुछ कह रहे हैं, धनंजय जी बोलिए। देखिए दीपेश जी, आपकी चिंता का मैं एक प्रकार से स्वागत करूंगा, लेकिन आपकी चिंता कुछ कम नहीं लग रही है मुझे। नहीं अब कर रहे हैं सर, जब आपसे सवाल कर रहा था तब आप मेरे पे ही ब्रैकेट लगा रहे थे कि ना जाने आप किस मसले पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव है सर। मैं माफी के साथ आप लोगों को रोकना चाहूंगा सर, फिर हम कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ईश्वर करे ये तीसरी लहर ना आए, लेकिन फिर भी स्थितियां इस तरह की हो रही है, वापस से कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।